स्थानीय लोगों के द्वारा बॉडी को ढूंढा जा रहा है, वहाँ पर देख सकते हैं। अगर एनडीआरएफ नहीं आ रहा है तो हम लोग प्रशासन का ईंट से ईंट बजा देंगे, इसलिए कि यहाँ दोहरा चरित्र वाले प्रशासन। यहाँ पर देख सकते हैं थाना यहाँ पर पहुंची है, लेकिन सीओ सीआई आए और उसके बाद जनता जब यहाँ पर शोरगुल की तो सीओ सीआई अपने ऑफिस में भाग गए। यहाँ पर कोई भी अधिकारी इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। पैनिक नहीं होने की जरूरी है। अरे जिसका परिवार इस समय विपत्ति में पड़ा है वो पैनिक होंगे ही। एक मिनट यहाँ आप लोग जनता को मत सुनाइए कि हम लोग धरना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो करना है अभी करें। कैसे मिला बॉडी? वो एक हजारा वंशी होता है, उसी से सब निकाल दो। क्या नाम रहा लड़का? पानी भरने के लिए यहाँ पर आए हुए थे कलश यात्रा में, और यहाँ पर नदी में डूबने के कारण एक युवक की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं वो युवक खपवा का बताया जा रहा है, और यहाँ पर परिजन पूरा बिलख बिलख कर रो रहे हैं, और यहाँ पर पूरे लोग इकट्ठा हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। कितना उम्र वाला? क्या नाम रहा? नीतीश कुमार। घर कहाँ? खपवा। स्थानीय लोगों के द्वारा बॉडी को ढूंढा जा रहा है, वहाँ पर देख सकते हैं लगे हुए हैं नाई के द्वारा और पानी में अंदर भी गए हुए हैं स्थानीय लोग, लेकिन 2 से 2.5 घंटा हो गया अभी तक बॉडी का पता नहीं चला है। और यहाँ पर सीओ को भी खबर दिया गया है, लेकिन सीओ द्वारा एनडीआरएफ की टीम अभी तक बुलाया नहीं गया है। सीओ साहब के द्वारा बोला जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम सोमवार को आएगी। वहीं बिहार में गोपालगंज में यहीं पर सिवान जिला के बगल वाले जिले में रहती है, लेकिन यहाँ आने में सोमवार लग जाएगा, लेकिन अभी बच्चा डूबा है। अभी प्रशासन के तरफ से अभी कोई भी सहायता यहाँ पर मुहैया नहीं कराया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरे लोग इकट्ठा हुए हैं, जल भरने आए हुए थे। गुटनी प्रखंड के करदासपुर में रुद्र महायज्ञ हो रहा है, वहाँ से कलश यात्रा के लिए पूरी भीड़ निकली हुई थी, और उसमें खपवा गाँव का लड़का यहाँ पर जल भरने के लिए अंदर प्रवेश किया, और अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ आकर नहाने लगा। उसके बाद यहाँ पर पूरा गड्ढा बता रहे हैं स्थानीय लोग, उसी में चला गया और डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। उसके बाद परिजनों में अफरा तफरी की माहौल मच गई है। अभी आप देख सकते हैं उधर गाड़ी खड़ी है, उधर परिजन पूरा इसके घर वाले युवक के रो रहे। 20 वर्षीय युवक बताया जा रहा था कर रहे कि एनडीआरएफ कल नहीं तो परसों आएगा, हम लोग एनडीआरएफ का मांग कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रामीण लोग गोताखोर लोग सब खोज रहे हैं। तो कल अब पूछे नहीं, कल आकर क्या करेंगे? अगर एनडीआरएफ नहीं आ रहा है तो हम लोग प्रशासन का ईंट से ईंट बजा देंगे, इसलिए कि यहाँ दोहरा चरित्र वाले प्रशासन लोग हैं। कभी कोई मजबूत व्यक्ति का घर का डूबता है तो इन लोगों के पास समय होता है, एनडीआरएफ का समय मिल जाता है, और कोई गरीब डूबता है तो समय नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं थाना यहाँ पर पहुंची है, लेकिन सीओ सीआई आए, और उसके बाद जनता जब यहाँ पर शोरगुल की तो सीओ सीआई अपने ऑफिस में भाग गए। यहाँ पर कोई भी अधिकारी इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अरे लोग एनडीआरएफ टीम की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम को बोला जा रहा है कि सोमवार को यहाँ पर पहुंचेगी, ऐसा बोला गया सीओ साहब के द्वारा। देखिए सीओ साहब से हमने बात किया, सीओ साहब कह रहा है कि परसों, गैर जिम्मेदाराना तरीका से, उनको थोड़ा भी नहीं लगा है कि लड़का कहाँ डूबा, क्या व्यवस्था हुआ, वो हम लोग तो देखे भी नहीं है कि वो आए हैं या कि नहीं आए, ठीक ना? फोन पर बात हुआ, फोन से बात हुआ, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि सोमवार को। नहीं, गाड़ी आई थी, मैं देखा, हम नहीं देखे हैं। हम जब नहीं देखे हैं, जब से लड़का डूबा है तब से यहाँ है। जितने हम लोगों की क्षमता है, यहाँ के गोताखोर लोगों को बुलाए हैं, वो लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं, इनके अंडर में एनडीआरएफ है, आने में ना समय लग सकता है, इन्होंने अपना प्रक्रिया क्या किया, हम ये जानना चाहते हैं। अब क्या करेंगे अगर आज नहीं आती है? अगर नहीं आती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और उनका दिखा देंगे कि जनता क्या होती है और प्रशासन क्या होती है, उनको जूतों के नीचे हम लोग रख देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं 20 वर्षीय युवक की यहाँ पर मौत हो चुकी है, उसका बॉडी नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ पर स्थानीय गोताखोर यहाँ पर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बॉडी नहीं मिली। प्रशासन यहाँ पर खिलवाड़ कर रही है, आई और चली गई, और यहाँ पर प्रतिनिधि जब फोन कर रहे हैं प्रशासन पब्लिक यहाँ है, पब्लिक छोड़ गई है, लेकिन वो घर जिम्मेदारा की तरह वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरा किया, छोड़ चला गया। प्रतिनिधि यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं, लेकिन सीओ साहब इस बात पर ध्यान आ रहे हैं, जिला प्रशासन क्या करेंगे इस पर? इस समय क्या करना चाहिए, जाकर ब्लॉक पे धरना देना चाहिए, सीओ सीआई को पकड़ कर यहाँ पर लाना चाहिए, क्या करना चाहिए? एनडीआरएफ की टीम नहीं आ रही घटना है, और इसमें प्रशासन की लापरवाही हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम जिलाधिकारी से बात कर रहे हैं, डीएम साहब से, डीओ साहब से, अभी फोन लगा के आपके सामने बात, फोन करिए, फोन करिए, और इस पर इन लोग हम शिकायत कर रहे हैं, यदि इस पर जिला प्रशासन कोई ठोस एक्शन नहीं ले रहा है। देखिए इसमें आप लोग राजनीति मत करिए, अभी चलकर ब्लॉक पे जो करना है करिए, अभी चलेंगे, अभी चलेंगे।
जो भी करना है यहाँ यहाँ आप लोग एक मिनट यहाँ आप लोग जनता को मत सुनाइए कि हम लोग धरना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो करना है अभी करिए। प्रशासन की इसमें भूमिका नजर नहीं आ रही, होना चाहिए कि नहीं? मानी यहाँ से बाइक से अगर जाएंगे, यहाँ से अगर बाइक पर जाएंगे गोपालगंज एक घंटे में पहुंच जाएंगे। एनडीआरएफ की टीम आती है फोर व्हीलर से, अलार्म बजाते आती है, कहीं 45 मिनट में पहुंच सकती है। अब यहाँ पर डीएम साहब से बात कर रहे हैं, 11 बजे लड़का डूबा है, 4 बज गया है अभी तक, देखिए टीम नहीं आई, 3 बजे डीएम। और यहाँ पर जिला अधिकारी के द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इस समय जनता मुश्किलों में फंसी हुई है, बॉडी नहीं मिल पा रहा है। अरे इस समय एक परिवार पूरा उदास में पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जिला अधिकारी के द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा है। रेडियो शिवम सदर कोई नहीं उठाएगा जानकारी। जी नमस्कार, जी उसी संबंध में फोन किए हैं, यहाँ सारे मतलब 2-4-5 गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, बांध पर एकत्रित है, और प्रशासन के लोग आया, फॉर्मेलिटी पूरा करके चल गया सीओ वीडियो, अभी तक ठोस कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक बच्चा मिला नहीं, बॉडी तक नहीं मिला अभी तक। हेलो जी, जी सुनिए ना सर, जी जी नंबर नोट कर लीजिए, जी बोला सर, कितना देर लगेगा आने में एनडीआरएफ की टीम को? वो हाजीपुर से आता है, गोपालगंज में है ना अभी सर, बात कर लेगा, अगर खाली होगा तो वही आ जाएगा। अरे तो बात करिए गोपालगंज में, यहाँ 5 घंटा हो गया, अभी तक कोई भी प्रशासन आ रही है, भाग जा रही है यहाँ से, और यहाँ पर पूरे तहलका मचाए हुए हैं ग्रामीण सब, स्थानीय लोग पूरा हजारों में इकट्ठा हुए हैं, लेकिन प्रशासन कुछ भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है, पैनिक नहीं होने की जरूरी है। अरे जिसका परिवार इस समय विपत्ति में पड़ा है वो पैनिक होंगे ही, 10 गाँव के लोग शांत मन से सोचने की जरूरी है। आपको बता देते हैं मृतक के प्रति संवेदना, दुर्घटना है, उसका बच्चा लौटेगा नहीं, उसको जो क्षति हुआ है मानसिक आर्थिक शारीरिक और जो क्षति हुआ वो तो हम लोग लौटा नहीं सकते, मगर हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि बेरोजगारी कम से कम मिल जाए। नहीं सर, डूबने के बाद आपकी जो कार्रवाई होती है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए तो सही है, मतलब मान लीजिए एनडीआरएफ की टीम 2 घंटे जितना जल्द से जल्द भेजा जाए सर, इसलिए कि यहाँ ग्रामीण लोग मतलब थोड़ा आक्रोशित है, मतलब आक्रोशित थोड़ा सा होने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग तो समझाने में लगे हैं सर, लेकिन हम लोग समझाने में लगे, हम लोग जनप्रतिनिधि तो समझाए भी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा माहौल गलत दिशा में जा रहा है, इसलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं कि प्रशासन के लोग को यहाँ भेजा जाए। गलत दिशा में जाने का कारण है सीओ सीआई वीडियो आ रहे हैं और यहाँ से बिना बात सुने भाग गए, तुरंत किसी का भी बात नहीं सुने। देखिए अधिकारी का काम होता है वहाँ जाए, जनता को आश्वासन दिलाए कि हाँ एनडीआरएफ की टीम 2 घंटे में आ जाएगी, 1 घंटे में आ जाएगी, ऐसा वो लोग कुछ भी नहीं बोले। हाजीपुर साहब गोपालगंज में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कोई बात नहीं हुआ है, चलिए आप लोग अपना प्रयास कीजिए। हेलो, और यहाँ पर देख सकते हैं सिवान जिला के बगल में ही गोपालगंज जिले में एनडीआरएफ की टीम रहती है, लेकिन एसडीओ साहब के द्वारा बोला जा रहा है कि हाजीपुर में टीम है, वहाँ से बुलाया जाएगा। अभी एसडीओ साहब को मालूम नहीं है कि गोपालगंज में टीम है, जब मैं बोला तो बोले कि ठीक है वहाँ भी पता कर लेते हैं, वहाँ होगा तो बुला लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कहीं भी एनडीआरएफ टीम के लिए अधिकारियों द्वारा कॉल नहीं किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं जनता पूरा बौखलाई हुई है, जनता इकट्ठा हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि जिला प्रशासन यदि कोई ठोस निर्णय नहीं ले रहा है तो हम लोग प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, अपने तरफ से हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। अच्छा ऊपर के अधिकारी ऐसे लापरवाह है तो ब्लॉक के अधिकारी क्या करेंगे, ये लोग भी तो उन्हीं के पास फोन करते होंगे। अब बताइए जहाँ सीआई ये बोल रहे हैं लोग, जो ब्लॉक अधिकारी आए थे और मुंह दिखा के भाग गए, ये तो निंदनीय है, हम निंदा करते हैं उसका। छोड़िए एसडीओ साहब जो जिले में बैठे हैं वो ऐसे बात कर रहे हैं, एसडीओ साहब की बात को हम खंडन करते हुए बता रहे हैं कि एसडीओ साहब जो संतोषजनक बात नहीं बताए हैं, जब हम लोग बगल के जिला में गोपालगंज में एनडीआरएफ की टीम है जिनका दायित्व तो बनता है कि वो भेजे, क्योंकि सबसे पहले जवाब दीजिए एसडीओ के है, आज यहाँ माहौल बिगड़ता है कोई काम बिगड़ता है तो सबसे पहले एसडीओ का गला में पंदा पड़ेगा, क्योंकि एसडीओ को अब यहाँ पर सिवान जिले के एसडीओ साहब राम बाबू को यहाँ तक मालूम नहीं है कि गोपालगंज में एनडीआरएफ की टीम हमेशा रहती है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है, वो बोले हाजीपुर से बुलवा लेता है, लेकिन अभी तक कहीं भी फोन नहीं, एग्जैक्ट पता नहीं है कहाँ है, वो आएगा कब नहीं आएगा, वो अफसर थोड़े हैं, अगर वीडियो साहब के लड़के हाजीपुर से है तो वीडियो साहब भाग जाते हैं, आप
थाना प्रभारी आके भाग जाए। एक मिनट सर, लोग शांत जी जी बोले। अच्छा छपरा निकल गई टीम, साढ़े पाँच घंटा में छपरा की टीम आ रही है। देखिए हेलो रोकिए बात कर, हमको कब जानकारी दी आप लोगों ने? अभी 10-20 बोले हमको जानकारी। नहीं तो आपको जानकारी देने का वीडियो का दायित्व होता है, सीओ का दायित्व होता है, वो लोग उनको फटकार लगाइए आप। राम बाबू द्वारा एसडीओ द्वारा बोला गया कि छपरा से टीम चल चुकी है, छपरा यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है, 2 घंटा लगेगा यहाँ आने में, 5 घंटा बॉडी को डूबे हुआ हो गया है और यहाँ पर 2 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंचेगी और उसके बाद देखते हैं उनके प्रयास से बॉडी अगर मिल जाता है तो सही है। और इस समय परिवार के ऊपर क्या बीत रहा है आप भी समझ सकते हैं। लापरवाही के कारण 5 घंटा बाद एनडीआरएफ की टीम छपरा से चली, अगर सुबह में ये जानकारी दे दी होते तो शायद अभी तक एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंच गई होती। और यहाँ पर स्थानीय लोग देख सकते हैं अपना जो जो जुगाड़ है वो लगाकर बॉडी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं इनके द्वारा मिलता है या एनडीआरएफ की टीम के द्वारा मिलता है। बच्चा भी किस पोजीशन में था? बेटा डेथ कर गया है। डेथ कर गया, कैसे मिला बॉडी? वो एक हजारा बंसी होता है, उसी से को सब निकाले, उसमें फंसा हो। स्थानीय लोग निकाले? स्थानीय लोग। लास्ट ऑप्शन स्थानीय लोगों के हिसाब से वही था, अपना अंतिम अस्त्र लगाए, सफलता मिला।